नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल स्टॉक पर। दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती में फिर से उत्तीर्ण प्रतिशत जो है बदला गया है, ये क्या न्यूज़ है? मैं आपको पूरी इसकी न्यूज़ आपको डिटेल में बताता हूँ, तो दोस्तों कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, सामान्य OBC 45 व SC ST 40% अंक पाकर होंगे उत्तीर्ण, यानी कि पारिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती में बदला गया उत्तीर्ण प्रतिशत। इसकी क्या न्यूज है मैं पूरी आपको बताता हूँ। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए बीती 27 मई को आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अब 45% यानी कि 67 अंक और अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को 40% यानी 60 अंक पाना जरूरी होगा। शासन ने बेसिक शिक्षकों की लिखित परीक्षा पास करने के लिए विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्रतिशत में हाई कोर्ट के निर्देश पर फिर बदलाव करते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। लिखित परीक्षा का परिणाम इसी के अनुरूप बनना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये 10 तारीख का न्यूज़पेपर है, इलाहाबाद का, दैनिक जागरण का। आप उसमें भी एक बार ये पूरा क्लियर देख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। योगी सरकार ने इम्तिहान के चंद दिन पहले शिक्षा मित्रों व अन्य अभ्यर्थियों को राहत देते हुए सामान्य व पिछड़ा वर्ग को 33% और अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 30% अंक पाकर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान किया था। परीक्षा के ऐन मौके पर बदलाव को हाईकोर्ट ने नहीं माना, ऐसे में उत्तीर्ण प्रतिशत अंकों का पुराना शासनादेश फिर से बहाल हो गया। तो दोस्तों, ये जो अब आपका जो रहेगा वो सामान्य और OBC का 45 और ST ST वालों का 40% ही रहेगा, ये फिर से बदलाव हो गया है। आगे क्या है? आवेदन बाद अंक बदलने को चुनौती। अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण प्रतिशत अंक बदलने को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि भर्ती के नियमों के अनुरूप आवेदन हुए परीक्षा के 5 दिन पहले एकाएक उत्तीर्ण प्रतिशत के अंकों में बदलाव करना गलत है। हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को जारी आदेश में 21 मई के शासनादेश को खारिज कर दिया, साथ ही सरकार से इस संबंध में हलफनामा देने को कहा। 31 जुलाई को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने भर्ती का परिणाम जारी करने के संबंध में शासन से मार्गदर्शन मांगा। शासन के विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने अब 9 जनवरी के उत्तीर्ण प्रतिशत को बहाल करने और परीक्षा नियामक सचिव को हाई कोर्ट में हलफनामा देने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।